बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बन रही है कुरकुरी क्रिस्पी बॉम्बिल फ्राई। और हमारे भरूच में ये बॉम्बिल नदी की बहुत ही फ्रेश मिलती है। और बॉम्बिल फिश को हम यहाँ पे बुमला कहते हैं। और बॉम्बिल को किस तरीके से घर पे साफ किया जाता है, कट किया जाता है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। और ये बॉम्बिल फ्राई बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनके तैयार होती है। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में रहे बेल आइकन को भी आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए क्रिस्पी और करारी बॉम्बिल फ्राई बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने बॉम्बिल ले ली है, तो इसे अब हम साफ करेंगे। बॉम्बिल को हमें इस तरीके से रख के छुरी को बॉम्बिल की उल्टी साइड पे हमें फिराना है, ताकि इसका जो भी मैल वगैरह हो वो निकल जाए। तो देखिए इस तरीके से ये निकल गया है। और ये पंख को भी हम काट लेंगे। बॉम्बिल के ऊपर जितने भी पंख है इसे हम काट लेंगे। बॉम्बिल हम जहाँ से लेते हैं वो भी हमें साफ करके दे देते हैं, पर कभी कभी हम बॉम्बिल पूरी ही घर पे ले आते हैं, तो इसे हम आसानी से इस तरीके से इसे साफ कर सकते हैं। तो बॉम्बिल के जितने भी ऊपर नीचे पंख थे वो हमने काट लिए हैं। अब बॉम्बिल की पूंछ को भी हमें काट लेना है। अब बॉम्बिल के मुंह को किस तरह काटना है वो देख लेते हैं। तो बॉम्बिल के ऊपर की साइड हमें छुरी रख के बॉम्बिल के मुंह को काटना है। इस तरीके से हमें इसे काटना है कि साथ साथ इसकी गंदगी भी अंदर से निकल जाती है। तो आप देख सकते हैं हमारी बॉम्बिल कितनी आसानी से साफ हो गई है। हमारी बॉम्बिल बिल्कुल क्लीन हो गई है। बहुत से लोग बॉम्बिल को बीच में से कट लगा के इसे फ्लैट भी कर देते हैं, पर हम यहाँ पे बॉम्बिल को गोल ही रखते हैं। अब हम बॉम्बिल को बीच में से काट के इसके दो पीस कर लेंगे। अगर आप चाहो तो बॉम्बिल के तीन पीस भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी बॉम्बिल बीच में से कट होके कितने अच्छे से साफ हो गई है। तो इसी तरीके से हम हमारी सारी बॉम्बिल को रेडी कर लेंगे। तो मैंने सारी बॉम्बिल को साफ करके बीच में से कट कर लिया है और इसे अच्छे से पानी से धो के इसका सारा पानी निथार लिया है। और ये जगह से हमें अच्छे से धोना है ताकि इसकी जितनी भी गंदगी हो निकल जाए। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। तो इसके लिए एक बड़ा चम्मच भर के मैंने यहाँ पर लहसुन की पेस्ट ले ली है और इसे मैंने थोड़ा दरदरा सा ही पीसा है, इसकी फाइन पेस्ट नहीं बनाई है, क्योंकि ऐसे पीसे हुए लहसुन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें टेस्ट के मुताबिक नमक डाल देंगे, आधी चम्मच हल्दी डालेंगे, आधी चम्मच स्पाइसी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। एक चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे और एक बड़े नींबू का रस डाल देंगे। अब ये सारे मसाले हम अच्छे से बॉम्बिल के ऊपर रगड़ेंगे। बहुत ही सिंपल से मसाले इसमें जाते हैं, पर ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। कई लोग बॉम्बिल में अदरक भी डालते हैं, पर हम यहाँ पे इसे सिर्फ लहसुन में ही बनाते हैं, क्योंकि बॉम्बिल में अकेले लहसुन का ही टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अगर आप चाहो तो आप इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो देखिए हमने अच्छे से बॉम्बिल के ऊपर मसालों को लगा दिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर लग रहा है। अगर मैरिनेट करने के टाइम पे आपको मसाला ड्राई लग रहा हो तो आप इसमें एक दो चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं, ताकि सारा मसाला हमारा अच्छे से मिक्स होके बॉम्बिल के ऊपर लग जाए। तो इस तरीके से सारी बॉम्बिल के ऊपर हमें मसाला लगा देना है। तो देखिए इस तरीके से हमारे सारे बॉम्बिल के ऊपर मसाला लग जाना चाहिए। तो इसे हम कवर करके आधे से एक घंटे के लिए रख देंगे, ताकि हमारे बॉम्बिल में मसाला अच्छे से चढ़ जाए। तो देखिए मैंने इसे एक घंटे के लिए रख दिया था। अगर आप चाहो तो इसे दो से चार घंटे के लिए फ्रीज में भी मैरिनेट करके रख सकते हैं और फिर टाइम पे आप इसे गर्मा गर्म बना सकते हैं। अब हम इसे क्रिस्पी बनाने के लिए आगे की प्रोसेस करेंगे। तो एक प्लेट में हम एक कटोरी बेसन ले लेंगे। बहुत से लोग इसे चावल का आटा और सूजी के साथ बनाते हैं, पर हम यहाँ पे इसे सिर्फ और सिर्फ बेसन में ही बनाते हैं। अब हम बेसन में थोड़े मसाले ऐड करेंगे, ताकि ऊपर का लेयर हमारा फीका ना लगे। तो इसमें हम टेस्ट के मुताबिक नमक, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर इसमें डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बॉम्बिल को हमें बेसन में कोट करके फिर फ्राई करना है, इसलिए बेसन में हमें ये मसाले डालने हैं, ताकि हमारा ऊपर का क्रिस्पी लेयर फीका फीका ना लगे। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम बॉम्बिल को इसमें कोट करेंगे। एक तरफ हम बॉम्बिल को फ्राई करने के लिए पैन में तेल रख देंगे
और गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। अब हम मैरिनेटेड बॉम्बिल को बेसन में अच्छे से कोट करेंगे। तो इस तरीके से बॉम्बिल को बेसन में अच्छे से दबा दबा के दोनों तरफ से कोट कर लेना है, कोई भी साइड हमारी रहनी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हमने बॉम्बिल के ऊपर बेसन को अच्छे से लगा दिया है। तो इसी तरीके से हम बॉम्बिल के 3 से 4 पीस बेसन में कोट करके रख देंगे, यानी कि पैन में हमें एक बार के बॉम्बिल के जितने पीस फ्राई करने हैं इतने कोट करके रेडी कर देने हैं, और बेसन को अच्छे से दबाते हुए लगाए ताकि हमारी कोई भी साइड रह ना जाए। तो तेल हमारा यहाँ पे अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें हम एक एक करके बॉम्बिल के पीस डालेंगे और पैन में हमें इसे थोड़ा दूर दूर ही रखना है। तो यहाँ पे हमने 4 पीस बॉम्बिल के रख दिए हैं और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू स्लो रखना है और इसे हम एक तरफ से क्रिस्पी होने तक फ्राई होने देंगे। तो देखिए 5 से 7 मिनट हमारी हो गई है। अब हम इसे घुमा देंगे, हल्के हाथों से ही हमें इसे घुमाना है ताकि हमारी बॉम्बिल टूट ना जाए। बॉम्बिल पकने के बाद बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है, तो इसलिए घुमाने के टाइम पे हमें बॉम्बिल टूट जाने का डर रहता है, तो इसलिए हल्के हाथों से ही हमें इसे घुमाना चाहिए और बॉम्बिल बहुत ही कम समय में पक भी जाती है। बॉम्बिल को पकने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो सारे पीस हम घुमा के इसे दूसरी साइड से भी फ्राई होने देंगे। तो देखिए 5 से 7 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं दूसरी साइड से भी हमारी बॉम्बिल बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई है। तो बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसे निकाल लेंगे, तो आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी, करारी, कुरकुरी हमारी बॉम्बिल फ्राई बनके तैयार हुई है और ये बहुत ही दिखने में टेस्टी लग रही है। तो एक एक करके हम सारे पीस को निकाल लेंगे। पकने के बाद ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है, इसलिए हमें बिल्कुल हल्के हाथों से ही इसे निकालना चाहिए। तो आप इसे देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है। तो सारे पीस हम एक एक करके निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम दूसरी हमारी सारी बॉम्बिल को फ्राई कर लेंगे। तो सारी बॉम्बिल हमारी फ्राई हो गई है, बहुत ही टेस्टी हमारी ये बॉम्बिल फ्राई बनती है। तो आप इसे एक बार मेरे ये तरीके से बॉम्बिल फ्राई जरूर से बनाइएगा, ये सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो आज की मेरी रेसिपी आपको यूजफुल लगी हो तो मेरे वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में रहे बेल आइकन को भी आप जरूर से दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि मेरी चैनल पे आपको ऐसी ही आसान आसान रेसिपी मिलती रहती है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, हैप्पी कुकिंग।